हुए एमएलसी चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य की महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार को इसमें झटका लगा है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे पर ही खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले भी एमवीए के सिर्फ 5 उम्मीदवार जीत कर आए, वहीं अब शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना तेवर अपना लिया है। वही पार्टी के तकरीबन 20 विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। दोपहर 2 बजे के करीब श्री शिंदे ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा परिषद चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ते दिख रहे हैं। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने दरअसल शिवसेना का संपर्क नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि शिंदे आउट ऑफ रीच हो गए हैं और परेशानी की बात यह है कि वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ शिवसेना के 25 विधायक भी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुजरात के सूरत शहर में किसी होटल में रुके हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ पालघर के विधायक श्रीनिवास बंगा और अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी और भिंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे भी हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में आज राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 10 में से 5 सीट पर जीत हासिल की है। इसी चुनाव में बड़ी बात ये रही कि शिवसेना और कांग्रेस में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ गया है। बताया जा रहा है कि चुनावों के नतीजे और क्रॉस वोटिंग से नाखुश थे एक शिंदे। खैर, क्रॉस वोटिंग का सिलसिला तो काफी पुराना हो गया है। ऐसे में क्या होगा महाराष्ट्र सरकार का, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।